कश्मीर का विकास भी हो जाएगा, कश्मीरियों को और कश्मीरियों का ये हक बनता। कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ ना जाए। क्यों नहीं जाए भाई, आइए देखिए हमारा कश्मीर, देखिए अगर कि कश्मीरियों से नाता क्या, या इलाह इल्लल्लाह। तो फिर इतना टैलेंट है दुनिया पे होना चाहिए। कोई जो संस्था हमारे जैसी जो सेक्शन है हमारा ये जीएसटी लोगो इधर आई एम वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर। तो पहली बात ये है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये रिगार्डिंग G20 समिट है, जो कि हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा स्टेप है हिस्ट्री में, इन कश्मीर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कि G20 मींस कि 20 मुल्कों से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं उनको होस्ट कश्मीर कर रहा है। दिस इज़ वेरी रिमार्केबल स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात ये है कि एज ए यूथ मैं आपको ये बताऊं कि जब कोई कंट्री यहाँ 20 कंट्रीज यहाँ कश्मीर में आएंगी, ऑब्वियसली वो खाली एजेंडा के लिए नहीं आएंगी, वो एक्सप्लोर द एवेन्यूज़ कि कश्मीर में क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या नहीं है। दे विल कम विद अ फुल रिसर्च, और ये हमारे यूथ के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। बिकॉज आप देखिए कि दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पहुँची है और कश्मीर में हम कहाँ पे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास। अदरवाइज़ यूथ में यहाँ पे इतना टैलेंट है कि उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। कश्मीर को हमेशा एक बैड फेस से रिप्रेजेंट किया जाता था कि यहाँ पे हालात ख़राब है, यहाँ पे बाकी कुछ है। आई हैव ग्रोन अप एज ए यूथ, मैंने पढ़ाई की है, मैं एक सेक्टर में सेटल्ड हूँ। तो वैसे ही बाकी यूथ यहाँ पे 92% एजुकेटेड यूथ हैं, जिन जो हाईली स्किलफुल है इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ मेडिकल साइंस, वेदर इट्स एरोनॉटिक्स। हमारे कश्मीर के कुछ बंदे नासा में भी काम करते हैं। ऑब्वियसली जब उनके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी तो कश्मीर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। गवर्नमेंट एक फेस होता है, पब्लिक का फेस होता है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस 5 साल से हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बट जो भी LG एडमिनिस्ट्रेशन है मुझे नहीं लगता है कि उनकी कहीं वो कोताही रही। जहाँ भी हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हैं डेवलपमेंट्स गोइंग, वर्क्स आर गोइंग ऑन। बट अल्टीमेटली हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, वो हमारी यूथ की डिमांड है। बट उसमें आई होप कि पार्टिसिपेट करें यूथ, जो एक न्यू फॉर्म, ये नहीं कि ओल्ड ही गवर्नमेंट रिपीट होने चाहिए। देयर शुड बी ए न्यू प्लेटफॉर्म जहाँ यूथ आगे आ सके और अपना फ्यूचर शेप कर सके। थैंक यू।